इसी तरह से कराची की आज़ादारी पूरे पाकिस्तान की आज़ादारी की बैकबोन है। आप माने या ना माने, मैं अपनी जिम्मेदारी से बात को बयान करूं। अब जब कराची से कौमी मसाइल पर मजालिस में आवाज उठती है तो कुछ लोगों को भारी पड़ता है, कुछ लोगों को मुश्किल महसूस होती है। आवाज नहीं उठनी चाहिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही तो सिखाया है कि ये जब यजीद के लोग तुम्हारे सर पर खंजर लेके खड़े हो जाएं तब आवाज उठाओ तो पता चले हुसैन ही हो। कुछ लोगों को आदत होती है इस्तेमाल होने की और कुछ ताकतों को आदत होती है इस्तेमाल करने की। कभी कभार इस्तेमाल होने वाले को पता चल रहा होता है कि वो इस्तेमाल हो रहा है, कभी कभार इस्तेमाल होने वाले को पता ही नहीं चल रहा होता है कि इस्तेमाल हो रहा है। 74 साल से जो पाक मुहर्रम एसोसिएशन पहले जहांगीर पार्क और उसके बाद फिर निस्टर पार्क में मजालिस बरपा कर रही थी, जो जो जुमले अर्ज कर रहा हूँ उन तमाम के डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ मौजूद हैं। कुछ अर्से पहले कुछ लोग खड़े हुए कि ये परमिशन है और इस तरह से कायदे आजम ने मसलन लिया, जनाब मुहतरमा फातिमा जना ने, हमारा एहतराम है सबका, आए मजलिस में आए। लेकिन तारीखी हकीकत यह है कि शिया कौम ने इस तंजीम को मैंडेट दिया हुआ था और ये तंजीम 74 सालों से पहले जहांगीर रोड और फिर निस्टर पार्क, और हकीर को ये एजाज़ हासिल है कि उसके वालिद बानियाने पाक मुहर्रम ट्रस्ट के में से थे, मेरे वालिद और मेरे मामू दोनों। खैर वो एक अलग चीज़ है। अब जब आज़ादारी बाज ताकतों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है, ये जुमले अदा करना सिवाय अपनी मौत को दावा देने के कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इससे डरेंगे तो फिर भूल जाइए, फिर कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते पूछेंगे मरना तो तुझे फिर भी था, कोई परवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिम्मत से रहेंगे। कोशिश ये की गई कि किसी तरह से मरकजी मजलिस पर कुछ ऐसे लोग कंट्रोल कर लें, गैर तो आ नहीं सकते थे, ठीक है ना, अब्दुल्ला शाह गाजी पर कब्जा करवा दिया ना, आज की बात नहीं कर रहा, जाके देखिए उस ट्रस्ट को कौन चलाता है। लिस्ट है मेरे पास ट्रस्टों की जिनमें होता क्या है, अल्लाह करे कि कभी यहां ना हो, लोगों को भेजा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो यहां पर कभी नजर करते हैं, कभी न्याज करते हैं, कभी चंदा देते हैं, कभी, मैं अपनी बात कर दूं ताकि कहीं और की बात किसी को बुरी ना लगे, होते होते एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो शख्सियत बड़ी अपने आप को शब्बीर वैसे भी बना देती है और फिर एकदम से कुछ ट्रस्टियों में झगड़े, इसको मत पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, उसको मत लाओ, उसको मत लाओ, उसको मत लाओ, इसको ये मत करो, करो और झगड़े, और कुछ ही अरसे में उस ट्रस्ट को फसाद का शिकार कर दिया जाता है। मेरे पास इस वक्त 12 मस्जिदों और इमामबारगाह और मदरसों के बाकायदा मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पर ये हो चुका है चंद सालों। होना क्या था, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये चीज़ें ना। मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट की गई कि जनाब इजाज़त तो इनको है, चला ये रहे, नाम तो इनका था। कोर्ट ने 17 सफ़े के कमिश्नर के पूरे डिसीजन, पूरे लिखे हुए को डिसीजन के तौर पर कहा है कि सिर्फ मौजूदा पाक मुहर्रम एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही निस्तर पार्क की जो ये मजालिस होती हैं मुहर्रम के 10 दिन की और आशूरा के जुलूस की और अरबईन के जुलूस की और 28 सफ़र के मजलिस और जुलूस की, ये परमिशन रखते हैं और सिर्फ यही आगे बढ़ाएं। अब कोशिश ये की गई कि एक नाम नेहाद चीज़ को, अगर थी भी तो एक कानून है, अगर कोई लॉयर यहाँ बैठा है वो बताएगा, थोड़ा थोड़ा अलिफ भी हम भी जानते हैं, अगर कोई परमिशन 20 साल तक इस्तेमाल न की जाए तो वो डॉर्मेंट हो जाती है, उसके बाद उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है। जो ताकतवर हल्के हैं वो चाहते ये थे कि अब इन मेंबरों पर ऐसे लोग आए जो मजालिस पड़े हो चले जाए और मातम हो खत्म हो जाए। मैं समी साहब बुरी बात तो नहीं है, नहीं कोई बुरी बात, लेकिन मजालिसें होते होते उन लोगों को मेंबर पर लाया जाए जो शिया सुन्नी इख्तलाफात को आग लगा दें। हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने आशूरा के धमाके के बाद भी किसी को गालियां नहीं दी, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मैं रियासत से सवाल करता हूं, मेरे कायद ने 100 100 जनाजे उठाए, शिया कौम ने आशूरा पर जनाजे उठाए, अरबईन पर
नहीं मालूम, मेरी बदकिस्मती थी कि जिना हॉस्पिटल में जब जख्मियों को ले गए हैं, मैं सरवर भाई और मरहूम हेदी साहब एक जगह खड़े थे। एक किसी ने आवाज़ दी कि आप आइए जरा, ये मीडिया से बात कर लीजिए। हम चंद सेकंड दूर हुए हैं और धमाका हुआ, जबकि सरवर भाई ने पहले निशानदेही की कि भाई ये मोटरसाइकिल पर क्या चीज़ पड़ी है, टेलीविजन तुम इसको हटाओ। हम यहाँ से शायद ये एसी तक पहुँचे और धमाका हुआ। अदन कह रहा हूँ, हमारी माँ ने भी हमें शहादत की मोहब्बत के साथ दूध पिलाया, हमें फर्रा नहीं है। आशुरा के धमाके में मेरे भाई जो पाक मोहरम एसोसिएशन के सदर और मेरा बेटा जो अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनके कौन पढ़ने गया है, ये वहीं पर खड़े थे। खैर, किस्मत में नहीं थी शहादत, ड्यूटी की देनी थी। सबसे पहले उन्होंने आवाज़ दी कि तमाम जितनी भी मुकद्दस चीज़ें हैं, अलम मुबारक हो, जरिया हो, जो भी ताबूत हैं, इनको हुसैनी ईरानियन तक पहुँचाएं। कोई तारीख में न लिख दे कि एक धमाके ने जुलूस वहीं ख़त्म करवा दिया। अल्लाह सलाम। मैं ऊपर से नीचे तक तमाम जिम्मेदारों को और उनमें से जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का सोचा था, ये पैगाम दे रहा हूँ, और मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ, एहतराम का पैगाम दे रहा हूँ। पाकिस्तान मेरा है, हमारा है, और इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। ये मिंबर रसूल से किसी भी किस्म के फसाद करने वाले को आवाज़ बुलंद करने नहीं देंगे। आप मेरे साथ हैं? लबैक या हुसैन, लबैक। हमने कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी हैं कि कल को मेंबर पर, और याद रखिए कहीं पर भी आए आपको रजिस्टर करना होगा। FIR पंजाब में कटी हुई है, मुश्किलात इस्लामाबाद में खड़ी की जाती हैं। वो तो शुक्र है कायदे मोहतरम ने फौरन कहा कि जाओ और इसके खिलाफ एक्शन लो, वरना कल यहां पर शिया सुन्नी फसाद बर्पा हो जाएगा। अगर कायदे मोहतरम वो फैसला ना करते, मुझे ये बात यहाँ कहनी नहीं चाहिए थी लेकिन आ गई जबान पर, खुदा शायद पिंडी और इस्लामाबाद में आप आज़ादारी कर नहीं सकते थे। उन फसादी उनसरों से बचिए जो आपकी आज़ादारियों के जरिए अहले सुन्नत के दिलों को नाराज करके उनके बाज एलिमेंट्स को जगा कर फसाद करें। हम तो शहादत के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे आपने देखा कि मुल्क का कितना नुकसान हुआ। हमने तो हज़ारों जाने दी और हम हज़ारों नहीं करोड़ों जाने देंगे, और इनमें से कौन है जो आइंदा 100 साल जिंदा रहेगा? है कोई तो रह जाए। हमने तो आज नहीं तो कल मरना ही है, और हमारी तो आरज़ू ही है। मैं दुआ करता हूँ पालने वाले हर हुसैनी जो सच्चे दिल से आज़ादारी करता है उसे शहादत अता फरमा दे। देखें कितना बुलंद इलाय आमीन का आ गया। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। तो ताकतवर हलकों से कहता हूँ, तुम्हारी ताकतें अपनी जगह पर होंगी, लेकिन हुसैनी ताकतों का मुकाबला मत करना, हुसैनी जवानों का मुकाबला मत करना। इनकी माँ ने इन्हें गैरत का दर्ज दिया है, शुजात का दर्ज दिया है, शहादत का दर्ज दिया है। हम आखिर वक्त तक पाकिस्तान के लिए और आज़ादारी की हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे, और हमारे लिए इस शहादत का रास्ता बेहतरीन रास्ता है, और हम किसी भी तरह से फसाद नहीं होने देंगे। पालने वाले हमारी मदद फरमा।